आप सबका स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक नए ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप रिसोर्स पैक डाउनलोड करते हैं उसे अपने माइनक्राफ्ट में कैसे इंस्टॉल कर सके, क्योंकि जो जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो जिप फाइल में भी होता है ज़्यादातर, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जिप फाइल ही होती हैं। तो उसको बदल के हम माइनक्राफ्ट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो फिर आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपको इंस्टॉल करना है शेडर पैक या रिसोर्स पैक माइनक्राफ्ट में, तो आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि जेड आर्चीवर या ES फाइल एक्सप्लोरर, ऐसे जो भी एप्लीकेशन है किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ES फाइल एक्सप्लोरर कीजिए, क्योंकि इस पर थोड़ा आसान होता है। तो फिर आप इसको ओपन करते हैं। जहाँ आपका डाउनलोड होता है वहाँ पर जाइए, जहाँ पे भी आपका डाउनलोड होके जाता है जैसे UC डाउनलोड या डाउनलोड्स में, वहाँ पे जाइए और अपना फाइल ढूंढिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग करके रखा हुआ है ये टेक्सचर पैक में, तो ये रहा मेरा टेक्सचर पैक। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे एक पेंसिल का निशान आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर ही रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, उसी पे हमें सीधा क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, मैंने भी कई बार गलती किया है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाते हैं। इसमें हमें रीनेम करना, सिर्फ जिप काटना है, बाकी कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। फिर उसका MC पैक लिख देना है, MCPE पैक नहीं लिखना है, MC पैक लिख देना है, MC डालना है, फिर पैक लिख देना है, E नहीं डाल देना है, क्योंकि आपका फिर चल नहीं पाएगा। तो इसके बाद रीनेम कर दीजिए, तो जैसे कि थोड़ी देर बाद आपका ऐसे बन के आ जाएगा। इसे फिर हम सिलेक्ट करेंगे, देख ही सकते हैं हमारा माइनक्राफ्ट में आ चुका है माइनक्राफ्ट का ऑप्शन। माइनक्राफ्ट में सीधा क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमारा चालू हो रहा है माइनक्राफ्ट। तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टिंग का साइन दिखेगा, देख ऊपर आएगा, एक मिनट अभी मेरे में आ नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं ये है मेरा टेक्सचर पैक, यहाँ पे मैंने पहले से ही करके रखा है। आपको ऊपर इम्पोर्टिंग का साइन आ जाएगा, अगर आपका इम्पोर्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पे आपका टेक्सचर पैक आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपके फिर गेम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हर एक में चल पड़ता है आसानी से। बिल्कुल याद रखिए, MC पैक रखना है, ना कुछ और रख देना है। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपना वर्ल्ड चलाता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा थोड़ा लैग हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हाई क्वालिटी का वो टेक्सचर पैक है। तो अगर आप भी ये डाउनलोड करना चाहते हैं, पर मेरी मानिए तो ये डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी का टेक्सचर पैक है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैग करेगा। तो फिर सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए, ताकि ये भी पता लग सके कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है रिसोर्स पैक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।